नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बम धमाकों से एक बार फिर से दहल उठा पाकिस्तान। कराची एयरपोर्ट के बाहर विस्फोट, 3 विदेशी नागरिकों की मौत। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के बाहर बड़ा धमाका हुआ है। धमाका इतना भीषण था कि इसकी चपेट में आने से 3 नागरिकों की मौत हो गई। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर से बम धमाकों से दहल उठा है। कराची एयरपोर्ट के बाहर बड़ा धमाका हुआ है। धमाका इतना भीषण था कि इसकी आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई दी। बम धमाके की चपेट में आने से 3 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए। दक्षिण पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे के बाहर रविवार रात को एक भीषण विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था। विस्फोट की चपेट में आने से 3 चीनी कामगारों की मौत हो गई, जबकि 8 चीनी नागरिक घायल हो गए हैं। धमाके की चपेट में एयरपोर्ट के बाहर खड़ी कई गाड़ियाँ भी आ गई है। जिन्ना हवाई अड्डे के पास ये धमाका हुआ है। पाकिस्तान के जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 3 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए। विस्फोट में कई गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई है। पुलिस बम धमाके की जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डे के पास एक टैंकर में विस्फोट हुआ। घटना के वीडियो में कारों में आग के लपटे, घटना स्थल में धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। भारी संख्या में पुलिस को एयरपोर्ट के बाहर तैनात किया गया है। वहीं चीनी दूतावास के एक बयान में कहा गया है कि पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड की चीनी कर्मचारियों को ले जा रहे काफिले पर रात 11 बजे के आसपास हमला किया गया, जिसमें 3 चीनी नागरिक मारे गए, एक अन्य घायल हो गया। इसमें कहा गया है कि कुछ पाकिस्तानी भी हताहत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट द हेडलाइंस।